मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी मैम, आवाज आ रही है। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि भी अपना वीडियो बेशक ऑन कर लीजिए, लेकिन माइक म्यूट रखिए, माइक मत ऑन कीजिएगा क्योंकि वो डिस्टरबेंस होगी। आज के इस योग मेरे भी मुख से जो है वो योगा निकल रहा है, योग को योगा डे बनाने वाले दिन में आप सभी का स्वागत है। अंग्रेजी का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि योग जो एक बड़ा सरल सा और सीधा सा शब्द है उसको हमने योगा बना दिया है और उसके अर्थों में उससे अंतर पड़ जाता है। लेकिन योग शब्द जितना महत्वपूर्ण है, जितना भारतीय संस्कृति का परिचायक शब्द है, उसके महत्व को स्थापित करने में भारत सरकार ने जो एफर्ट्स किए हैं और जो विश्व ने इसको स्वीकार किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक हम सभी के लिए उत्सव की बात है। योग दिवस का मतलब केवल योग दिवस नहीं है, योग दिवस का ये उत्सव है। और इस उत्सव की सुंदरता इस बात में है कि ये क्रिया रूप में भी है और ज्ञान रूप में भी है। इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, इन दोनों का जो समन्वय है, वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके विषय में मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहूँगा कि आज का ये जो योग उत्सव है, मैं इसको सेशन भी नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है, भाषागत कई परिसीमाएं होती हैं, लेकिन योग दिवसोत्सव इसे हमें शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में, भारत शब्द में ही सेलिब्रेशन शब्द छिपा हुआ है, उत्सव मनाने की यहाँ परंपरा है, तो योग उत्सव है एक तरह का। तो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो हम इस सारे सत्र का जो प्रशिक्षण देंगी हमें, श्रीमती विजय गुप्ता जी, जो काउंसलर भी हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं, ट्रेनिंग भी वो देती हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि वो हमारे साथ आज जुड़ें और हमारे इस कार्यक्रम को सफल करें। तो उनके स्वागत के लिए और उनके परिचय करवाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर कैप्टन विजय शर्मा जी से कि वो एनसीसी के बिहाफ पर एसटी कॉलेज की ओर से वो मैडम विजय गुप्ता जी का स्वागत भी करें और उनसे हम सभी को परिचित भी कराएं। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय कैडेट कोर एसटी कॉलेज अम्बाला छावनी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योगा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि COVID-19 के कारण इस बार घर पर योगा, परिवार के साथ योगा, इस संकल्प के साथ, इस नारे के साथ आज यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और हमारा सौभाग्य है हम सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ यह योगा एक अत्यंत अनुभवी योगा प्रशिक्षक श्रीमती विजय गुप्ता जी के साथ उनके निर्देशन में करने जा रहे हैं। श्रीमती विजय गुप्ता जी अंबाला की भारतीय संस्कृति गरिमा मंच की संरक्षक हैं, भारतीय संस्कृति और योग के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। आप पतंजलि योग समिति की 6 वर्षों तक अध्यक्ष रही हैं। आपने 400 योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, प्रशिक्षण दिया है, लगभग 150 कैंप लगा चुकी हैं और हमारे एनसीसी के ATC कैंप में भी इन्होंने 1 सप्ताह बच्चों को, कैडेट्स को योगा सिखाया और एक हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो दूसरा ही था 2016 की बात है, तो हमने इन्हीं के निर्देशन में वह मनाया था और बहुत ही अच्छा वह हमारा योगा प्रशिक्षण और वो योगा दिवस जो है रहा था, सबने उसकी बहुत सराहना की थी। और विजय गुप्ता जी बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं और अत्यंत निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं। विजय गुप्ता जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से, सभी कैडेट्स की ओर से और अपने कॉलेज की ओर से, पूरे सनातन परिवार की ओर से आपका अभिनंदन है। मुझे पता है आज प्रातः से आप बहुत व्यस्त हैं, इससे पहले भी आपके निर्देशन में एक योगा हो चुका है, फिर भी आपने हमारी जो विनती थी उसको आपने स्वीकार किया, हमें अनुग्रहित किया है और आपका बार बार अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जो है वो बहुत मुश्किल से
पैदा होते हैं और उनका संरक्षण या उनका सहयोग जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। विजय गुप्ता जी ने एक बात कही थी मुझे कि मैं अब मेरी उम्र हो चुकी है बहुत, मैंने बहुत सारे ये योगा करा लिए हैं, आप किसी यंग पर्सन को लो, युवा जो है उसको लो। तो मैंने उनको कहा था कि अनुभवी व्यक्ति हैं, व्यक्ति से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। तो मैंने इनको कहा कि युवा अपनी जगह हैं, लेकिन हम अपने युवाओं को आपसे प्रेरित कराना चाहते हैं कि इस उम्र में भी आप कितनी सक्रिय हैं अपनी संस्कृति के प्रति और इस योगा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, और ये जो शरीर मन और आत्मा है इसके एकत्व के प्रति। तो इसलिए हमारी आपने प्रार्थना स्वीकार की, मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और आपके और कैडेट से और सभी जो योगा करने के लिए तैयार बैठे हैं उनके बीच ज्यादा समय ना रहते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ और आशुतोष जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने मैडम विजय गुप्ता जी का परिचय करवाया है। और वाकई ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को अपना जीवन समर्पित किया है, योग को समर्पित क्या किया है, योग को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में उतार लिया है, ऐसे लोगों से मिलना और ऐसे लोगों से ज्ञान ग्रहण करना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। इससे पूर्व कि मैं मैडम से आग्रह करूं कि वो मंच संचालित करें और हमारे सभी कैडेट्स को योग के बारे में जो प्रोटोकॉल है उससे उसको कार्यान्वित करवाएं, उससे पूर्व मैं 2-4 मिनट आप लोगों के लेना चाहता हूं। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि योग कर्म भी है तो योग साथ में ज्ञान भी है, दोनों का समन्वय चाहिए। लेकिन योग के बारे में हमारे ज्ञान के रूप में उसके विषय में बहुत कम जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, तो मैं 2-4 मिनट जो है वो आप लोगों के साथ वो लेना चाहूंगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि योग जो है वो 4 प्रकार के लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, ये भारतीय परंपरा की बात कर रहा हूं। एक वो लोग जो आर्त होते हैं, आर्त का मतलब होता है जो पीड़ित हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो योग का प्रथम स्तर हो सकता है। दूसरा स्तर अगर आप देखें तो अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है कि कोई उससे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं योग में, क्योंकि अष्ट सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, आप अपने शरीर को हल्का कर सकते हैं, अपने शरीर को स्थूल कर सकते हैं और बहुत सारी प्रकार की हैं, और आप इसके कई पक्ष देखेंगे अगर कभी यूट्यूब के ऊपर देखें तो। बुद्धिस्ट योग जो किया जाता है उसमें आप देखेंगे कि वो एंटी ग्रेविटेशनल लॉज जो हैं उसके विपरीत का अपने शरीर को धरती से वो ऊपर उठा सकते हैं, उसमें कोई जादूगरी नहीं है, केवल योग का प्रभाव आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। और भी इस तरह के बहुत सारे प्रयोग आपको दिखाई देंगे, तो वो हैं अर्थार्थी जो सिद्धि के संदर्भ में होते हैं कि योग के द्वारा आप सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप योग के द्वारा किसी को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं को, दूसरे की क्रियाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत प्रकार की। तीसरे प्रकार के जिज्ञासु लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि योग वस्तुतः होता क्या है, योग कहाँ कहाँ घटित होता है, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में, सारे लोकों में, सारी धरती पर और हमारे शरीर में, वो योग कहाँ कहाँ कैसे कैसे घटित होता है, इन सारी बातों को जो जानने में इच्छुक होते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग कौन से होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं योग के बारे में, जो जानते हैं, जिनके देह में, जिनके व्यक्तित्व में, मन मस्तिष्क में, जिनके हृदय में योग उतरा हुआ होता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जिनमें से महर्षि दयानंद, ऋषि अरविंद और इस तरह के आपको कई नाम मिलेंगे जिनको हम ज्ञानी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो योग के द्वारा जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया और ज्ञान ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ज्ञानमय हो गए। ज्ञान को उपलब्ध ये भी भाषा कोई बहुत उचित नहीं है, लेकिन ज्ञानमय वो लोग हो गए। अब आप थोड़ा सा इस चीज को भी देख लीजिए कि ये योग शब्द जो है वो किन किन अर्थों में आपको दिखाई देता है। ज्योतिष में आज ग्रहण लगने वाला है, वहां पर एक खास योग बना है कई प्लैनेट्स का, कई ग्रहों का, तो आज वो ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ज्योतिष में योग शब्द आता है, फिर गणित में तो योग आता ही है,
बुद्धिस्ट और जैन योग, ये भी एक पूरी परंपरा है, जिसमें जैसे पतंजलि योग की परंपराएं हैं, उसी तरह फिर आप नीचे की ओर देखें आयुर्वेद में भी बहुत सारे योग आपको दिखाई देते हैं, औषधियों के योग और ये सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण, इनके भी कई तरह के योग जो हैं वो दिखाई देते हैं। शेष जो योग आप जानते ही हैं कि तांत्रिक योग जिन्हें कहते हैं, कि तंत्र जो है आपकी तंत्रिकाओं के भीतर कितने प्रकार के योग हैं, जो कुंडलनी योग है आदि आदि, उनमें मैं नहीं जा रहा। और फिर जो है पातंजल योग, जिसे सामान्य रूप से हम सभी जानते सोचते समझते हैं, सामान्य रूप से जब आप योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं अर्थों में पातंजल योग के रूप में करते हैं। एक पक्ष और आप योग का देख लीजिए कि योग जो है वो चार प्रकार का मुख्य रूप से है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ज्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि एक पृष्ठभूमि बन जाए तो ज्ञान के साथ साथ क्रिया करने का सुख अपना ही होता है। और अगर उसके आगे के भेदों को देखें तो आपको इतने सारे योग दिखाई देंगे, जैसे मैं बात कर रहा था, हठ योग, तंत्र योग, क्रिया योग, कुंडली योग, मंत्र योग, कितने सारे तरह के योग आपको दिखाई देंगे। अब ये जो योग शब्द है, जब हम सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं तो केवल एक एक्सरसाइजेस तक समझ लेते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग है खास प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं है। उस योग जो है शरीर से जब वो शुरू करते हैं तो उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके भेद भाग होते हैं। तो योग केवल इतना ही मत समझ लीजिएगा कि भी केवल आपने अपने शरीर को सिद्ध कर लिया है। समाधि तक जाने का जो प्रक्रिया है वो योग शब्द से अभिहित होती है, वो योग शब्द का अर्थ है। तो इसलिए इन सारी बातों को जानते हुए अंतिम बात कह करके मैं आप लोगों से, मैं मैडम विजय गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात कहें। दो परिभाषाएं योग की ध्यान रखिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए, हम टीचर्स के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए दोनों ही परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि योग, योग का योगा डे तो मना रहे हैं, लेकिन योग की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। एक है योगा कर्मसु कौशलम, ये नीचे और की ओर जो आप एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं, योग क्या होता है, कर्म करने में जो कुशलता है, एक्सीलेंस इन योर वर्क, कि काम हर कोई करता है लेकिन किसी के काम में सुंदरता होती है, किसी के काम में रस होता है और कोई काम बड़े ही बेहूदे तरीके से करता है। तो योग जो है कर्म करने में जो कुशलता है वो योग की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा को अगर आप देखें तो क्या है, समत्वम योग उच्यते। समत्व क्या है कि सुख दुख में, राग द्वेष में, लोगों के साथ और व्यवहार करने में जो एक समता का भाव है, जो नॉन डिस्टर्बिंग एलिमेंट आप में है, उसका जब विकास होता है तो वो भी योग कहलाता है। तो इस योग दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी बातें मैंने आप लोगों से केवल एक भूमिका के रूप में साझी की हैं, कि इस समत्व को अगर हम समझ लेते हैं, एक तरफ हमें हमारे कर्मों में कुशलता आए और दूसरी तरफ हमारे व्यवहार में अगर समत्व आ जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में वो सफलता आ जाएगी जिसकी योग अपेक्षा करता है, जिसकी कारण इस योग को जो है वो प्रचलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को योग संस्कृति कहते हैं, कर्मों में कुशलता और व्यवहार में समत्व। अगर ये दो चीजें हमारे सिद्ध हो जाएं मनुष्य के जीवन में और समाज में, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग कहीं नहीं, वो इसी धरती पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैडम विजय गुप्ता जी को, कि वो आगे के गतिविधि जो है वो हमारे साथ संचालित करें और हम सबको प्रशिक्षित करें कि इस योग की क्रियाओं को कैसे किया जाए। मैडम विजय गुप्ता जी। मैडम विजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। जी मेरी जी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी, आगे मैम, बिल्कुल आप मेरी आवाज आ रही है? मेरी जी, पिक्चर आ रही है आपके पास? ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, आप सभी को आज इस योग पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। प्रोफेसर आशुतोष जी ने आपको बहुत कुछ बता दिया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मुझे जो कहा गया है मैं थोड़ा सा अवश्य बताऊंगी। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, अपनी व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ देना,
समष्टि वह परमात्मा है जो कण कण में हर प्राणी में व्याप्त है और स्वयं को उसके साथ अनुभव करना, परमात्मा के आनंद को अनुभव करना, उसके साथ जुड़ना, यही योग है। योगा अनुशासनम, योगा समाधि, योगा समत्वम, योग उच्चते, ये सब बातें आपने सुनी। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं इनमें अपने मन को स्थिर रखना, यही योग है। इसके लिए हमारे शरीर के दो हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा हमारा बाह्य भाग है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, हार्डवेयर। दूसरा भीतरी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो प्राणमय कोश है, जो विज्ञानमय कोश है, जो आनंदमय कोश है। इसके अंदर हमारी सभी नस नाड़ियां, हमारे जितने भी तंत्र हैं, मशीनरी है जो कि हमें रक्त दे रही है, हमारा भोजन पचा रही है, हमें श्वास प्रश्वास करवा रही है और जो मल आदि है उसका विसर्जन करवाती है, इन सभी के स्वस्थ रखने के लिए ये योग एक इसका ये पहला भाग है। क्योंकि आजकल अष्टांग योग प्रचलित है, तो पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, तो इस क्रम से हम चलते हैं। फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे हम उस परमात्मा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है ये योग। सबसे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि जो कुछ मैं कहूं उसको बड़े ध्यान से सुने। हम अपने मन को एकाग्र करके 3 बार दीर्घ श्वास भरते हुए लंबा ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। आप पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप सरलता पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। लंबा श्वास भरते हुए हम ओम कहते हुए उस श्वास को 3 बार छोड़ेंगे। ओ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सर्वप्रथम हम खड़े होकर कुछ अभ्यास जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं उनके लिए करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। हम पहले गर्दन के अभ्यास करेंगे। गर्दन को श्वास भरते हुए पहले हम पीछे ले जाएंगे, 1, 2, 2 पे सीधी, 3 पे आगे, 4, 5, 6 पे सीधा, 7, 8। अब राइट फिर लेफ्ट, 1, 2 पे सेंटर में, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके पश्चात कंधे के व्यायाम करेंगे। ऐसे हाथों को या कंधे पे रखिए, दोनों कोहनियां जोड़ते हुए आगे से पीछे ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब पीछे से आगे लाना है, कोहनियां आपकी जुड़नी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज है, ये व्यायाम हमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधों में प्रॉब्लम है, उसके लिए करें। 5 बार इसको हम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम करेंगे ताड़ासन। सभी विद्यार्थी हैं, अभी उनकी आयु ऐसी है, हाइट बढ़ रही है। ताड़ासन के लिए आपने पंजों के बल खड़े होना है, हाथों का पंजा बना के हाथ ऊपर ले जाएं और पूरी बॉडी को आप स्ट्रेच कर दें। 1 सांस भर के पंजों के बल बैलेंस बनाएं, 2 नीचे आ जाएं।
एक बार और, एक हाथ का पंजा बना के ऊपर सीधे बिल्कुल ताड़ की तरह से, दो। यह आसन हमारी स्पाइन को स्वस्थ रखता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ठीक है, कोई जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है, उसके बाकी के भी अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे पाद हस्तासन। हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाइए, गर्दन भी पीछे, एक, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को टच करें, दो। फिर एक बार और यही अभ्यास, एक, पीछे जाएंगे जितना जा सकते हैं, सांस को छोड़ते हुए आगे आए, पैरों तक टच करें, दो। पाद हस्त आसन, जिनको कमर में दर्द है वो ये आसन नहीं करेंगे, या जिनके हरनिया है वो भी ये आसन नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को कमर पे ले आए और सांस भरते हुए जितना पीछे सिर ले जा सकते हैं ले जाएंगे, ऐसे, दो पे सीधे, एक बार और, एक, सांस भरते हुए पीछे, दो पे सीधे। अब अपने पैरों को 1.5 फुट खोल ले, दोनों हाथों को ऐसे सीधा फैला दें, कंधों के बराबर फैला दें, दाएं हाथ से दायां पैर टच करें झुककर, और बायां हाथ ऊपर जाएगा उस हाथ की ओर देखें, एक, झुकेंगे। जब आपने झुकना है सांस छोड़ के झुकना है, जब ऊपर आना है सांस ले लेनी है, दो। अब दूसरी साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ वो टच करेंगे, एक, नीचे झुके, दो, सीधे हो जाएं। एक बार और यही अभ्यास, दाएं पैर को दाएं हाथ से टच करें, एक, बायां हाथ ऊपर जाएगा उसकी ओर देखना है, दो। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर के साथ, एक, दो। मैं देख रही हूं कुछ बच्चे कर रहे हैं त्रिकोण आसन। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, बैठ जाएंगे चौकड़ी लगा के, जैसे तितली उड़ती है इस प्रकार से आपने दोनों घुटनों को ऐसे फड़फड़ाना है, चौकड़ी मार लें, हाथों का पंजा बना के अपने पैरों को उनकी तलियां मिला के अपने पास कस लें और घुटनों को फड़फड़ाएं, ऊपर नीचे करें। ये हमारी थाइस के लिए, हमारे टखनों के लिए, हमारी लेग्स के लिए, जांघों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अब हम करेंगे मंडूक आसन। अपने दोनों हाथों को ओवरलैप करके अपनी नाभि पे, धुन्नी पे रखें, सांस को बाहर छोड़ दें, अपने पेट को दबाते हुए आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, जितना झुक सकते हैं। मंडूक आसन जिनको डायबिटीज है उसके लिए बहुत ही उपयोगी, सांस लेते हुए सीधे हो जाएं। एक बार और इसका अभ्यास, सांस छोड़ के पेट को दबाएं दोनों हथेलियों से और आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, सिर सामने रखें, रुके जितना रुक सकते हैं, होल्ड करें श्वास को, धीरे धीरे सीधे हो जाएं। ये है मंडूक आसन, जिनको डायबिटीज है, जिनकी नाभि उतर जाती है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। कुछ लेटने वाले आसन हैं स्पाइन के लिए, उल्टे होके पेट के बल लेटिए। हम करेंगे भुजंग आसन। अपने कंधों के बराबर दोनों हथेलियों को टिका दें, बिल्कुल सीधा पेट के बल लेटे, पीछे से पैर जोड़े, सांस भरते हुए धीरे धीरे जैसे सांप का फन ऊपर उठता है ऐसे उठेंगे, कमर को उठाएं, पिछला हिस्सा नहीं उठेगा, सांस भरते हुए जितना उठ सकते हैं उठें। स्पाइन के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास, सांस छोड़ते हुए सिर को वापस नीचे ले आएं। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
बहुत ही उपयोगी आसन है। अब एक और आसन जिसको कहते हैं पवन मुक्त आसन, जिनके पेट में हवा बहुत मैडम है। मैडम विजय एक सेकंड, मैं कैडेट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं योग, प्लीज आप लोग अपना वीडियो अनम्यूट करें ताकि मैडम देख भी सकें और साथ साथ हमें निर्देशित भी कर सकें। अच्छा लगेगा जितने भी अधिकतम संख्या में बच्चे अपना वीडियो ऑन करते हुए निर्देशों का पालन करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज आप अधिकांश लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि वो सारी एक रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उपलब्ध हो। हाँ, पूरी प्रक्रिया देख पाए। जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी मैम, आप बिल्कुल बिल्कुल सीधे लेट जाए, सीधे लेट जाए, आपकी पीठ जमीन के साथ लगी हो, पेट ऊपर हो, सीधे लेट जाए। हम करेंगे उत्तान पाद आसन। अपने हाथों को बिल्कुल कमर के साथ सीधा सटा के रखें, अपने पैरों को 35 डिग्री पे उठाना है, मोड़ना नहीं है, सीधी टांगे हों, थोड़ा सा जमीन से लगभग 1 फुट के करीब उठाएंगे सांस भरते हुए। उत्तान पाद आसन, एक सांस भरते हुए उठें, रुक के रखें। जो हमारी अंतड़ियां हैं, जिनको कब्ज रहती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है उत्तान पाद आसन। नाम से ही है, उत्तान मैंने ऊपर, पाद मैंने पैर ऊपर किए हुए, विश्राम नीचे आएंगे। अब दोनों घुटनों को इकट्ठा करके हाथ का पंजा बना के पेट के साथ कसें। ये है हमारा पवन मुक्त आसन। पेट में जो हवा घूमती है, बच्चों को आजकल फास्ट फूड खाने की आदत है, हवा हो ही जाती है, तो घुटनों को पेट के साथ और अपने माथे को घुटनों के साथ जोड़ें। पवन मुक्त आसन अर्थात हमें जो फालतू की वायु है, अपान वायु, उससे हमें यह आसन मुक्त कर देता है। अब आप एक और आसन जो कि हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला, थायराइड को कंट्रोल करने वाला, स्पाइन को स्वस्थ रखने वाला, वो करेंगे। टांगे सीधी रखें, सांस भरते हुए टांगों को 90 डिग्री पे ले जाएं। अर्ध हल आसन, धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक उसे ले आए। अर्ध हल आसन ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी बुद्धि को तीव्र करता है। और अगर यही पैर हम सिर के पीछे तक ले जाते हैं तो ये पूर्ण हल आसन बन जाता है, परंतु पहली बार करने से ये नहीं होता। अर्ध हल तो सभी कर लेते हैं, परंतु पूर्ण हल करना थोड़ा सा कठिन है। चलिए अब सभी बैठ जाएंगे, राइट साइड पे हाथ का प्रेशर देके आप उठे, सभी बैठ जाएं। अब हम करेंगे थोड़ा सा प्राणायाम। चौकड़ी लगा के बैठेंगे पद्मासन में, दायां पैर क्रॉस करके बाएं के ऊपर ले आए और बायां दाएं के ऊपर। जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं वो सामान्य चौकड़ी लगा लें। बहुत सारे ऐसे घर में बड़े लोग होते हैं जो चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। पर प्राणायाम, ये जो आजकल महामारी फैली है, इसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जहाँ ये बाह्य प्राणायाम आसन जरूरी हैं, वहाँ फेफड़ों को सबल बनाने के लिए ये प्राणों का सबल होना, कंट्रोल होना, इनका आयाम होना, नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 5 सांस आप लंबे लंबे लीजिए और लंबे लंबे करके धीरे धीरे छोड़िए। करते जाएंगे, लंबे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस खींचे, लेते जाएंगे। हमारा नाक का जो दायां भाग है वो सूर्य स्वर है, बायां भाग हमारा चंद्र स्वर है। जब भी हम प्राणायाम करें हमें चंद्र स्वर से आरंभ करना चाहिए। करते जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे फेफड़ों में जो कोश हैं, जो हम आम सांस लेते हैं उससे 1/4 खुलते हैं, उतनी ऑक्सीजन जाती है, और 3/4 भाग जो है, 3 हिस्से उसके कोश नहीं खुलते हैं। परंतु जब हम शक्तिपूर्वक सांस लेते हैं तो वो कोश खुलने शुरू हो जाते हैं।
हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जाने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हम गुब्बारे को फैलाने के लिए पंप से जब जोर मारते हैं तो पूरा गुब्बारा फूलता है, परंतु मुंह से वो शक्ति नहीं लगती है। इसी प्रकार से प्राणायाम में जब हमने दीर्घ श्वास पूरी शक्ति से लिया तो हमारे वो कोष जो थे, जो मधुमक्खी की छत्ती के भांति बने होते हैं, वो खुलने शुरू हो गए। चलिए अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। ये हमारा पूरा का पूरा जो चेहरे वाला हिस्सा है जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सारा कपाल है। ये आंखें, ये मस्तक, कान, नासिका, मुंह, ये सारा कपाल है। और इस प्राणायाम के करने से पूरे चेहरे पे चमक आती है। कपाल भाति में आपने नाक से सांस को बाहर धक्का देना है, मुंह को बंद रखना है, और जब आप सांस को धक्का दें आपका पेट अंदर जाएगा। सांस लेने में ज्यादा ध्यान नहीं देना, छोड़ने में ज्यादा शक्ति लगानी है। करते जाएंगे इसको, 2 मिनट करेंगे। कपाल भाति हमारे मस्तिष्क को शुद्ध रखने वाला यह प्राणायाम है। जो कपाल भाति जब हम करते हैं तो आप देखते हैं हमारा पेट हर बार झटके से अंदर जाता है। हमारे पेट के अंदर किडनी, पैनक्रियाज, ये अमाशय, अंतड़ियां और बहुत सारे स्प्लीन, लीवर, ये बहुत सारे ऐसे हमारे यंत्र लगे हुए हैं जो अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। जब हम कपाल भाति करते हैं वो सारे अंग प्रत्यंग जो हमारे हृदय के नीचे वाले हैं सारे के सारे स्वस्थ हो जाते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो कपाल भाति थोड़ा करें, परंतु धीरे धीरे करें। कपाल भाति हार्ट की ब्लॉकेजेस भी खुलती हैं, परंतु ऐसा ना करें किसी के स्टंट पड़े और दबा दब करना शुरू कर दें, इससे नुकसान होता है। धीरे धीरे करें कपाल भाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मतलब 1 मिनट में आपने 60 स्ट्रोक लगाने हैं कपाल भाति प्राणायाम। प्रतिदिन जो छोटे बच्चे हैं 2 मिनट करें, बड़े इसको 5 मिनट करें। इतना मात्र करने से आपको अद्भुत लाभ दिखाई देगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अपना दायां हाथ का अंगूठा नासिका पे लगाएं, राइट वाली नासिका पे लगाएं। मैंने आपको बताया था कि पहला श्वास हमने बाई नासिका से लेना है, तो हम दाई नासिका बंद करेंगे, उधर से हम श्वास को खींच के उसे बंद कर देंगे और राइट वाली नॉस्ट्रिल से हम श्वास को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम जैसा नाम है, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, जहां से छोड़ा वहां से पहले भरना है, भर के बंद करके दूसरी साइड से छोड़ना है। जहां से छोड़ा वहां से फिर लिया और दूसरी साइड से छोड़ दिया। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 210 नस नाड़ियां, जितनी भी हमारी स्किन है वो बारीक बारीक नाड़ियों से जुड़ी हुई है, हड्डियों के साथ हम नहीं गिन सकते। उनकी शुद्धि का एक ही तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से हमारा अंग प्रत्यंग, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का संचरण सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसे करते रहें। अब हम अंतिम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। कानों के ढक्कन बंद कर लें, अंगूठे से बंद करें, अंगूठे के साथ वाली उंगली माथे के सेंटर में रखें, 3 उंगलियां आंखों पे। लंबे श्वास लेते हुए मुंह बंद करते हुए गुंजार करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। करेंगे 3 बार, लंबा श्वास, गुंजार करते हुए छोड़ेंगे, 1 बार फिर से लंबा श्वास, मुंह बंद करके केवल गुंजार करना है और मन में ओम का चिंतन हम करेंगे। वो गुंजार में हमें ऐसी अनुभूति हो कि हम ओम का ध्यान कर रहे हैं, ओम की ध्वनि निकल रही है। 1 बार और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर कहते हैं भंवरे को, जैसे भंवरा फूल के ऊपर घूं 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 करता है,
ऐसी आवाज भ्रमर जैसी आएगी। विश्राम, आंखें नहीं खोलेंगे, ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट के लिए। आंखें बंद करके ओम का ध्यान करें, उस निराकार ईश्वर का ध्यान करें। वही रुद्र है, वही शिव है, वही शंकर है, वही अग्नि है, वही देवी है, वही परमात्मा है, वही हमारा सबका कल्याण करने वाला महान, सबके कर्मों का फल देने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला रचनाकार है। वही सर्वनियंता है, वही सर्वशक्तिमान है। हम उसका 2 मिनट के लिए एकाग्र चित्त होकर ध्यान करें। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, बाहर की बातों से अपने सारे ध्यान हटाकर हम अंतर्मुखी होकर उस परमात्मा के ध्यान में प्रतिदिन जब बैठेंगे तो हमारी मानसिक तनाव, हमारी टेंशन्स, हमारी स्मृति जो भ्रमित हो गई है वो एकाग्र होनी शुरू हो जाएगी। हमें बहुत से रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान के लिए आप सभी बैठें, 1 मिनट और ध्यान में बैठें, आंखें बंद, मन को इधर उधर ना जाने दें। मन का स्वामी ये आत्मा है, आत्मा को मैं कहता हूँ, मैं स्वामी हूँ, इसलिए मैं मन को भटकने नहीं दूंगा। मैं योग कर रहा हूँ, परमात्मा से जोड़ के इसको रखूंगा। जितना जितना हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं उतना उतना हम बलवान होते हैं, उतना उतना हम सत्यवादी होते हैं, हम निर्भय होते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। हम योग से जुड़ें, योग से कभी अलग ना हो। विश्राम, सभी मेरे साथ संकल्प करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे, मैं संकल्प लेती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में, सभी बोलिए कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी, संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की, उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं, असीम संभावनाएं प्रदान करती है, प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, तथा समाज और समूचे विश्व में, शांति, 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 स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के प्रसार के लिए, प्रसार के लिए, और सौहार्द के प्रसार के लिए, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ, कृत संकल्प हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। स्वस्थ रहें, सभी निरोग हों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोर से ठहाका लगा के जोर से हंसेंगे। कल्याण हो। इति ओम शांति। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आपका आभार। जितनी सहजता से, जितनी स्पष्टता से आपने हमें ये योग की क्रियाएं करनी है, योग का प्रोटोकॉल आपने फॉलो करवाया है, वो सचमुच बड़ा प्रशंसा की है। क्योंकि सबसे पहली बात यही है कि हम सहज हों, अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ सहज होना सीखें, यही योग की प्रथम उपलब्धि है, यही उसकी भूमिका है, और फिर उसके बाद सिद्धियों की ओर अग्रसर होते हैं। अभी जब मैं मैडम विजय की बात सुन रहा था और उनको फॉलो करने का भी प्रयास कर रहा था, एक बात जो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं और बाकी अन्य प्राध्यापक हैं, मैं सभी के साथ एक विचार साझा करना चाहता हूं।
वो ये कि हम लोग एनवायरनमेंट का पेपर पढ़ते हैं, जिस तरह से कंपलसरी एनवायरनमेंट का पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह से योग का एक पेपर अवश्य होना चाहिए। बल्कि मेरा सुझाव ये है, और हम लोग अपने प्रिंसिपल के माध्यम से ये सुझाव देना चाहेंगे कि योग और एनवायरनमेंट का एक पेपर इकट्ठा कर दिया जाए, क्लब किया जाए, क्योंकि ये योग और एनवायरनमेंट दोनों बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उससे एनवायरनमेंट का जो पेपर है उसमें गंभीरता भी आएगी और योग को भी समर्थन और सहयोग मिलेगा। तो मैडम विजय गुप्ता जी, आप भी अपने स्तर पे जहाँ पे भी संपर्क हो, मुझे लगता है कि इस सुझाव को अगर आप आगे प्रस्तुत करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग भी अपने प्राचार्य के माध्यम से इस सुझाव को रखेंगे, मैडम विजय भी और अन्य भी जो साथी लोग हैं, कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण और योग, इन दोनों का कॉमन पेपर होना चाहिए, क्लब कर दिया जाना चाहिए इस सब्जेक्ट को, और इससे बड़ा लाभ हमारे छात्रों को और शिक्षा के क्षेत्र को होगा। नहीं तो सारी शिक्षा जो है वो ओवर इंटेलेक्चुअलाइज हो रही है, जिसको मुझे लगता है कि जिसमें सेंस पैदा करना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल होना को सेंसिबल होना नहीं होता, शिक्षा का लक्ष्य जो है वो सेंसिबल लोगों को उत्पन्न करना है, उनका निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो आज का ये कार्यक्रम इतना ही था, तो धन्यवाद करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एनसीसी कैडेट को कि वो आज के हमारे मुख्य जी मैम, मैडम विजय, आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे मौका दिया, और कभी आप कॉलेज में करवाना चाहे तो, आज तो मैंने आधा ही करवाया है जी मैम, पूरी क्रियाएं इनको अच्छे से करवाएंगे, ठीक है जी? जी जी बिल्कुल मैम, हाँ जी, ये तो चाहते हैं हम सभी करें, और इसीलिए वो आपकी बात सुनते सुनते मुझे ये ध्यान आया कि इस तरह का भी अगर हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए एनसीसी कैडेट को। मैडम विजय किन की? हाँ जी सर, आयुषी करेंगे। उससे पहले विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त समय में से हमें समय दिया और बहुत अच्छे से आपने मुझे बताया। आयुषी अपना माइक अनम्यूट कर ले, वो धन्यवाद करेंगी। आयुषी जमाल, एवरीवन, टुडे आई कैडेट आयुषी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर टुडे चीफ गेस्ट मिसेस विजय गुप्ता फॉर अ वंडरफुल सेशन। Yoga, as we all know, is a physical, spiritual and mental practice and has been practiced across the world for good physical and mental health. I am very humbled to thank you for such an exciting and enjoyable session on this very International Yoga Day. As we all know, due to contagious nature of COVID-19, we were not able to attend any mass gathering, but because of your presence, we have enjoyed this day. Your way of teaching and practicing yoga is commendable. We would like to implement this learning in our day-to-day lives. Please accept our sincere appreciation for your outstanding performance. Thank you. Thank you. Thank you, Ayushi. You spoke very well. बहुत अच्छा। You have expressed yourself. Thank you so much. Thank you so much. मुझे लगता है कि हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। ओह। जी अच्छा, मैं, अच्छा, हाँ, जी मैंने तो बहुत बार शब्द इस विषय में जी सर जी सर बहुत बार रिक्वेस्ट किया आपसे, लेकिन आप हमारी बात सुनते ही नहीं। जी सर, आप आदेश करें। ओके सॉरी, नहीं नो प्रॉब्लम। मैं आज के हमारे एक्सपर्ट मैडम जय गुप्ता जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को योगा डे के ऊपर हमारे साथ आकर फंक्शन किया। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ विजय मैम का, आशुतोष जी का, इन्होंने ये जो आज का ये फंक्शन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि COVID-19 का समय है और ये कब तक चलेगा, नोबडी कैन से एनीथिंग। और सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं, वो सारे वॉलंटियर्स या बच्चे स्टूडेंट्स टीचर्स, हम सभी लोग घर की चारदीवारी में बंद हैं और बहुत ही एक प्रेशियस, मतलब यू कैन से अंडर प्रेशर सारे बच्चे और हम लोग सारे काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ योगा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग ये सारी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीव कर सकते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष जी से और दिशा मैम से, वो हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन योगा का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं, जिसमें छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए 10-15 दिन के, ताकि ये बच्चों को हम बेसिक चीजें सिखा सकें और उनकी एक रूटीन बना सकें, क्योंकि ये जो COVID-19 का हमारे पास जो प्रेडिक्शंस आ रही है, ये दिसंबर तक खत्म होने वाला नहीं है, तो हमें अपने बच्चों को बिजी भी रखना है, उनकी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो मैं सोचता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए छोटे प्रोग्राम मॉर्निंग चला सकते हैं, और ऑनलाइन सेशन आज आपने देखा ही है, मैम विजय गुप्ता ने बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया है, तो मैं सोचता हूँ कि हमें उनके साथ इंटरेक्ट करके आगे के सेशंस, कुछ सेशंस, 5-6 सेशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो ताकि हमारे बच्चों को और भी बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें। वंस अगेन आई एम हाईली थैंकफुल टू विजय मैम कि आप आए और आपने हमारे बच्चों का, हमारे टीचर्स का आज इस योगा डे के ऊपर करेंगे। और बल्कि मेरे मन में अब जो मैंने सुझाव दिया है, बल्कि इसके ऊपर एक पहले सेमिनार भी रख लेते हैं कि योग और एनवायरनमेंट के आपसी संबंध में चर्चा करें, ताकि हम सरकार को एक सकारात्मक सुझाव दे सकें और इसका जो भी संभव होगा वो उसको निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक कोर्स डिजाइन करके हम इसको शुरू करेंगे। तो आज के इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन उससे पूर्व जो टीचर्स अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहारनपुर से, अमृतसर वगैरह से, तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया अपना ईमेल आईडी जो है वो चैट में डाल दीजिए, ताकि आपको सर्टिफिकेट जो है वो हम भिजवा सकें। तो प्लीज आप इस बात को इंश्योर करें कि आपके ईमेल ठीक हो, क्योंकि हर बार कहना पड़ता है कि ईमेल जो है वो ठीक नहीं होते तो उसमें लोगों तक सर्टिफिकेट नहीं पहुंचते। तो अपना ईमेल डाल दीजिए, अपना कंप्लीट एड्रेस डालिए और आपको जो है 1-2 दिन में जो है आपके सर्टिफिकेट्स ईमेल करवा देंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, हमारे साथ जुड़े रहें, और अगले सप्ताह में आप लोगों के लिए कई नए विषय उपस्थित होंगे, उन सब में आपकी प्रतिभागिता की अपेक्षा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स।